कैसे हो बच्चों? आज मैं इंटेक मैनिफोल्ड का डिज़ाइन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने मॉडल डिज़ाइन करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ, हेडसेट, और फिर सबसे पहले हम इस बॉडी पे आते हैं, सबसे पहली वाली बॉडी पे। और सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं, चेक करते हैं किस तरह से मैंने डिज़ाइन करा है इसका। तो फिर ये है एक डायग्राम जो 2D स्केल पे मैंने डिज़ाइन करा है। जब मैंने इसको 2D स्केल पे डिज़ाइन करा तो मैंने इसको एक्स एग्जिट कर दिया, और फिर मैंने दूसरा प्लेन चूज़ करके फिर मैंने इसको अगली बॉडी पे डिज़ाइन करा। देखिएगा, आप खुद देख सकते हैं। अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये मैंने दो प्लेन है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, दो प्लेन लिए हैं मैंने। एक मिनट, ये तो पहला प्लेन है, ठीक है ना, जो मैंने ये डिज़ाइन करा, ठीक है। अब फिर दूसरा प्लेन भी देखते हैं, फिर दूसरे प्लेन पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा है। और फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसका कितने मीटर पे मैंने डिज़ाइन करा है, क्या इसकी डायमेंशन मैंने रखी है। देखिएगा, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ऐसे भी ट्यूटोरियल तो देखते ही होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो कृपया करके उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे ही आपको डिटेल में ये समझ में आएगा कि किस तरह से क्या चीज़ काम करती है। तो फिर ये दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी को मैंने इस तरह से डिज़ाइन करा, देखिएगा। और ये दूसरा प्लेन है, ठीक है, दूसरे प्लेन पे मैंने ये डिज़ाइन करा। अब देखते हैं हम बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री बाउंड्री हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बाउंड्री बॉस ट्रैश बेस। फिर मैंने दोनों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बाउंड्री बेस का यूज़ करा है, और नॉर्मल टू प्रोफाइल पे मैंने और अलाइन विद नेक्स्ट सेक्शन फिर मैंने इसको प्लेस करा है। अब दूसरे पे भी देख लेते हैं, दूसरे पे भी मैंने सेम करा है, नॉर्मल टू प्रोफाइल और अलाइन विद नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, और मर्ज टेंजेंट फेस। ओके, मर्ज जरूर करना है इसको, टेंजेंट के फेस को। फिर ऐसे ही मैंने तीन बॉडीज़ को देखिए, जैसे कि ये वाली बॉडी थी, ये मैंने तो एक बॉडी को मर्ज कर दिया, फिर मैंने दूसरी और तीसरी बॉडी को भी इसी तरह से मर्ज किया हुआ है। देखिएगा, अभी आप देखिए। अब फिर मैंने शेल का भी यूज़ करा है, शेल का यूज़ करा है, और देखिए मैंने यहाँ पे शेल का भी यूज़ करा है। फिर मैंने शेल का यूज़ इन दोनों बॉडीज़ पे भी करा हुआ है, देखिए। और ये बॉडी है इंटेक मैनिफोल्ड की। आप IC इंजन में इसके बारे में ये पढ़ेंगे,
या फिर पढ़ रहे होंगे। अब चलिए, अब हम चलते हैं है बॉस एक्सट्रूड दूसरे पे, देखिएगा। अब इस बॉस एक्सट्रूड पे हमने सेम बॉडी को लेकर और जस्ट उसका पैटर्न दूसरा था, मतलब कि ये जो बॉस एक्सट्रूड फेस था ये दूसरे बॉडीज में काम कर रहा था, इसलिए मैंने इसको एक ही 2D प्लेन में ही मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ताकि सॉरी फॉर दैट। चलिए, क्योंकि मैंने 2D प्लेन में इसलिए इंक्लूड कराया है ताकि एक ही प्लेन में इसका डायमेंशन बन सके। ओके, अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए बॉस एक्सट्रूड तक, अब चलते हैं हम बॉस एक्सट्रूड 4 पे, देखिएगा। बॉस एक्सट्रूड 4 में मैंने जस्ट ये पैटर्न लेके और एक्सट्रूड कर दिया इसकी बॉडी को, देखिए ना, 1 मिनट, देखिए ना, ये जो प्लेन है ये मैंने छोड़ा क्योंकि क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मतलब कि इसको सेलेक्ट जरूर किया है, लेकिन सेलेक्ट करने का मतलब है कि इसको छोड़ देना, मतलब कि इस बॉर्ड यहाँ यहाँ की साइड को हम खाली ही रखें, दैट्स व्हाई। ओके, अब चलिए, अब हम चलते हैं फिलेट पे, फिलेट फिर, तब हमने यहाँ पे फिलेट कमांड का भी यूज़ करा है, देखिएगा। फिलेट कमांड का यहाँ पे मैंने यूज़ भी करा है और ऐसे ही मैंने नीचे वाले पोर्शन में भी करा है, देखिए बॉडी फिलेट हो गई। फिर हम चलते हैं बॉस बॉडी की मूव और कॉपी पे। ये जो फंक्शन है ये हमें इंसर्ट पे जाएंगे और फीचर्स में जाएंगे, और फीचर्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा मूव और कॉपी का फंक्शन। ओके, अभी हम इसके डायमेंशंस के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बॉडी सेलेक्ट कर ली और फिर हमने कॉपी भी करा है और फिर रोटेट भी करा है हमने 180 डिग्री पे, और फिर ये बॉडी कंप्लीटली तैयार हो गई। अब चलिए, अब हम चलते हैं बेस एक्सट्रूड की तरफ। बेस एक्सट्रूड में मैंने जस्ट यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न देके और यहाँ पे ये इंक्रीज करा है, 1 मिनट में आपको स्केच भी दिखा देता हूँ, देखिएगा। देखिए, जस्ट स्केच डिज़ाइन करा है मैंने और मैंने इसको एक्सट्रूड भी कर दिया है, बेस एक्सट्रूड भी करा है 25.4 मिलीमीटर पे, लेकिन ना मर्ज रिजल्ट नहीं करा है मैंने, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मर्ज रिजल्ट कर दूंगा तो फिर ये बॉडी का जो शेप है ये एरर शो करेगा, इसलिए। अब चलिए, अब हम चलते हैं बॉस एक्सट्रूड पे सेकंड बॉडी पे, तो फिर सेकंड बॉडी में भी मैंने सेम इसी की तरह ही करा है। अब चलते हैं हम कट एक्सट्रूड पे, कट एक्सट्रूड में जस्ट मैंने ये बॉडी को कट कर दिया है और हमारी बॉडी तैयार हो गई है।
अब मैं आपको, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। सबसे पहले मैं इनको हाइड कर देता हूँ ना, क्योंकि आपको दिक्कत भी होगी इसलिए। उप्स, कहाँ गया, कहाँ गई बॉडी, ये रुक जाइए रुक जाइए, हो गया। चलिए अब मैं आपको सेक्शन व्यू दिखा देता हूँ कि सेक्शन व्यू कैसा रहेगा इसका। देखिएगा सेक्शन व्यू, लेकिन मैं आपको टॉप व्यू से दिखाऊंगा। बस ये देखिए, अब देखिएगा, देखिए तो वो बॉडी किस तरह से तैयार हुई है, देखिए आपको। और हाँ, फिर मैं अगर से ये बॉडी तैयार नहीं होती तो फिर इसमें या तो एरर आती या फिर डाउट क्रिएट करता, किस तरह हम इसमें प्रेफरेंस करें या फिर किस तरह हम इस बॉडी को क्रिएट करें। तो फिर यही था गाइस, और आपको ट्यूटोरियल तो ज़रूर पढ़ना ही चाहिए गाइस, क्योंकि अगर ट्यूटोरियल नहीं पढ़ोगे तो फिर ये जितने भी पैटर्न्स हैं, इसके जितने भी टूल्स हैं, ये सारे आपके इस समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले ट्यूटोरियल करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी होता है ये फॉर शोइंग एनी ए गुड प्रेजेंटेशन टू इन अ बिजनेस और इन एनी वर्चुअल वर्ल्ड। ओके गाइस, और वर्चुअल वर्ल्ड इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि पहले तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन आजकल के समय में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमें ये मालूम चल जाता है कि किस तरह से हमें बगैर नुकसान पहुंचाए अपने प्रोडक्ट को हम किस तरह से मेजर या फिर एनालाइज कर सकते हैं। अब चलिए, अब मैं दिखा देता हूँ जैसा आपको रेंडर टूल्स के बारे में। अब रेंडर टूल्स किस तरह यूज़ का होता है इसके बारे में भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। रेंडर टूल्स का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोसीजर है रेंडर टूल। ये जो 3D इमेज है, ये एकदम रियलिटी रियलिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। अभी आप देखिएगा, बस कुछ मिनट लगेंगे इसको क्रिएट करने में, जस्ट अ मिनट। ये देखिए एकदम रियलिस्टिक प्रोडक्ट तैयार हो गया है, बॉडी तैयार हो गई है, इंटेक मैनिफोल्ड इज रेडी नाउ एज यू सी। देखिएगा और अगर अगर आपको फाइनल रेंडर चाहिए तो फिर आप फाइनल पे क्लिक करके और जस्ट वेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और जस्ट ये क्रिएट हो जाता है एक फाइनल रेंडर के रूप में। देखिए और ये कंप्लीट हो गया। वही यही प्रोसीजर होता है रेंडरिंग का, और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा गाइस। अगर से आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है और अगर से आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे
मेरे इस सॉलिड वर्क्स डिजाइनिंग में, जिसमें मैं ढेर सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि कैटिया के बारे में, एनएक्स यूनिग्राफिक्स के बारे में, ऑटो कैट्स के बारे में, और सॉलिड वर्क्स तो अभी चल ही रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप के बारे में भी बताऊंगा इन फ्यूचर में, और यहाँ तक कि मैं आपको ज्योमेट्रिक डाइमेंशनिंग एंड टॉलरेंस के बारे में भी बताऊंगा, और सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताऊंगा गाइस। जस्ट आपको बस क्लिक करना है टू सब्सक्राइब बटन पे, और लाइक कर देना है अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है, और अगर से आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं मेरे बारे में, या फिर आपको और जानकारी चाहिए, तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपसे डायरेक्टली लिंक कर सकूँ, ज्वाइन कर सकूँ, आपसे आपके साथ जुड़ सकूँ और आपकी मदद भी कर सकूँ। तो इन फ्यूचर में अगर से आपको कोई डाउट हो या फिर तकलीफ़ हो, तो फिर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरा एक फर्ज बनता है कि आपकी मदद मैं बिल्कुल करूँ। अभी के लिए थैंक यू गाइस। I need feeling like you want me, and I guess in a way you do.